हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, फाइनली BSNL की तरफ से भी दिवाली ऑफर वाला प्लान आ गया है। वो भी एक नहीं, दो दो प्लान आ गया है। और ये जो प्लान है, ये जियो का एक साल वाला प्लान है, उसको डिफीट करने के लिए लाया गया है। और दोनों ही प्लान बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, ये वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं आपको कम्प्लीट डिटेल बताने वाला हूँ वो दोनों प्लान के बारे में। इवन आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगा वो प्लान में, और सब सब जगह के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं, वो भी मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो में। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था जियो का दिवाली ऑफर, और उसमें मैं ये भी रिपोर्ट किया था कि उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इवन कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। तो बेसिकली वो प्लान में बताया था कि जियो की तरफ से 1699 रुपीज़ का प्लान आया है, जिसमें आपको टोटल 547 GB मिलेगा पूरे 365 डेज के लिए। और उसके साथ साथ जियो ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है कि वो भी मिल जाएगा, जितना भी जियो ऐप है। और उसके साथ साथ अनलिमिटेड SMS रहता है 100 SMS पर डे, और इवन आपको अनलिमिटेड कॉल भी रहता है, सब कुछ तो पता ही होगा। तो वो जो 1699 रुपीज़ का जो प्लान था, उसमें आपको अगर आप इसको 547 को डिवाइड करेंगे 365 डेज से, तो 1.5 GB पर डे हो रहा है। तो उसमें आपको 1.5 GB पर डे मिल रहा था पूरे 365 डेज के लिए। बट BSNL ने फाइनली दो प्लान निकाला, जो कि ये जो प्लान है, जो 1699 रुपीज़ का प्लान है, इसको डिफीट करते हुए निकाला है। तो गाइस, हम लोग देख लेते हैं वो दोनों प्लान क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल में कम्प्लीटली लिखा हुआ प्लान के बारे में, तो ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इधर से अगर मैं एक एक करके दिखाऊँ तो ये ज़्यादा मेस हो जाएगा, तो मैं दूसरा जगह से आपको दिखाता हूँ जिसका आपको समझने में थोड़ा ईजी हो। तो ये आर्टिकल का फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक डॉक्यूमेंट बनाया हूँ, तो डॉक्यूमेंट में आपको समझ में आ जाएगा कि BSNL का जो न्यू ऑफर है, दो प्लान जो निकाला है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है और इस पर आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो गाइस, पहला जो प्लान है वो तो एकदम डिटो जियो का, जो आप देखे होंगे जो 1699 रुपीज़ का प्लान है, वही कॉस्ट में निकाला गया है, और जिसमें आपको 1095 GB मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जियो में आपको कितना मिल रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जियो में आपको टोटल मिल रहा था 547 GB, बट इसमें आपको मेरा टोटल 1095 GB। तो बेसिकली ये जो प्लान है, ये जियो को कंपेयर करते हुए बनाया है, और जियो से बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल रहा है, इवन आपको लोकल STD रोमिंग सब जगह फ्री है, एज वेल एज आपको कॉलर ट्यून मिल जाएगा। जैसे आपको जियो ट्यून मिलता है, आपको कॉलर ट्यून भी मिल जाएगा फ्री पूरे एक साल के लिए। इवन आपको 100 SMS पर डे मिलेगा, जैसे आपको जियो में दे रहा। ये जो डेटा है, ये 4G 3G 2G डेटा रहेगा, आप कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 4G डिवाइस है तो 4G यूज़ कर सकते हैं, 2G है तो 2G, 3 है तो 3G है तो 3G। और सबसे मेन चीज़ है, ये जो प्लान है, इसमें आपको डेली का 3 GB पर डे मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इवन इसमें जियो भी पीछे चल गया है, और ये प्लान बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि आप जैसे 1699 रुपीज़ का प्लान एक्टिवेट करेंगे, तो इसमें आपको 100% कैशबैक नहीं मिलेगा। यही बात का बस बात है कि जियो में जो 1699 रुपीज़ का प्लान भरा रहे, उसमें आपको वाउचर मिल जाएगा 1699 का। इसी चलते जियो उस वो रीज़न में आगे है कि आप वो प्लान से दोनों प्लान भरा सकते हैं, क्योंकि उसमें वाउचर कूपन मिल रहा है। बट ये प्लान में आपको वाउचर कूपन तो नहीं मिल रहा, बट इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। तो अगर आपको वाउचर का झंझट नहीं लेना है और आपको वन टाइम रिचार्ज करना है, तो ये प्लान को आप देख सकते हैं 1699। इसमें आपको टोटल 1095 GB मिलेगा, जिसमें आपको 3 GB पर डे मिलेगा पूरे 365 डेज के लिए। ये जो डेटा होगा 4G 3G 2G तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल होगा। कॉलर ट्यून फ्री है पूरे एक साल के लिए, इवन अनलिमिटेड कॉल है, रोमिंग STD लोकल सब जगह ये फ्री है, इवन आपको 100 SMS पर डे मिलेगा। उसके बाद गाइज, आप देख सकते हैं सेकेंड प्लान जो कि है 2099। तो बेसिकली ये प्लान में आपको मिल रहा 1460 GB टोटल, और इसमें आपको सब कुछ सेम मिल रहा, बट आपको 1 GB ज़्यादा मिलेगा, 4 GB पर डे मिलेगा पूरे 365 डेज के लिए। मतलब इसमें आपको मिल रहा था 3 GB पर डे, और इसमें आपको मिलेगा 4 GB पर डे, बाकी सब जो भी सर्विस है सब कुछ सेम है। और गाइस, ये दोनों प्लान का ये चीज़ अच्छा है कि ये दोनों प्लान और सब जगह के लिए अवेलेबल है। आप कहीं भी इसको रिचार्ज कर सकते हैं, कहीं भी कॉल कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं, BSNL का बहुत सारा सर्विस है, वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, सिलेक्टेड स्टेट को ही देता है। इवन दिल्ली और मुंबई का तो और प्रॉब्लम है, दिल्ली और मुंबई का तो कुछ कुछ प्लान में तो अलग से एडिशनल आपको पे करना पड़ता है अगर आप कॉल करेंगे तो। मगर ये जो दोनों प्लान है, अगर आप ये दोनों प्लान में से कोई भी दोनों प्लान को रिचार्ज करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा ऑल ओवर द इंडिया। और ये प्लान आप कहीं से भी कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी रिचार्ज कर सकते हैं, आपको सेम बेनिफिट मिलेगा सबको। ओवरऑल ये दोनों प्लान अच्छा है। और जियो
जियो का भी प्लान अच्छा है क्योंकि उसमें आपको कैशबैक मिल रहा, तो इसलिए कंपेयर करना मेरे को लगता है सही नहीं है। जिसको वाउचर चाहिए तो वो जियो में भी देख सकते हैं, और जिसको वाउचर के झमेला नहीं चाहिए और ज़्यादा डेटा चाहिए तो आप ये प्लान को भी देख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। इवन BSNL का अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो BSNL का सिम को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इतना ही था ये वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1699 रुपीज़ वाला प्लान एवं 2099 रुपीज़ वाला प्लान के बारे में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे होगा ये मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाइस डे, बाय बाय।